हेलो फ्रेंड्स, निर्माण नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन को समझने हम जानने जा रहे हैं, जिसमें समझिए इसको ये कोर्स 8 है और इसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यचर्या के प्रकृति जानना है, उद्देश्य जानना है, आवश्यकता जानना है, इसका वर्णन करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रस्तावना लिखेंगे। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरे से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यचर्या वह क्रम है जो व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। यह दौड़ का मैदान की तरह होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह लक्ष्य का पूर्ति नहीं हो जाए। देखिए, यहाँ इससे हमारा तात्पर्य यह है, जो पाठ्यचर्या है इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, करिकुलम कहते हैं। जनरली देखिएगा कि ये सब वर्ड जो होता है ना, लैटिन वर्ड होता है या ग्रीक वर्ड होता है, लेकिन ग्रीक बहुत कम मिलता है, ग्रीक या फ्रेंच, और ज़्यादातर लैटिन होता है। लैटिन बहुत टफ वर्ड माना जाता है, यूनान का पहले का जो ग्रंथ था, बहुत पहले का जो मतलब पूरा क्या था, मतलब लैटिन भाषा में होता था, बहुत टफ सब्जेक्ट होता है लैटिन भाषा, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत होता है ना, वैसे ही लैटिन भाषा भी टफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरो से होती है। देखिए, कुरेरो का शाब्दिक अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान, इसको एकदम रट लीजिए लोग। कुरेरो का क्या अर्थ है, दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यचर्या क्या है, वह क्रम है, देखिए पाठ्यचर्या वह क्रम है जो व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए पार करना पड़ता है। मानिए कि जैसे हमारा जो बीएड है, हमें बीएड करना है, तो बीएड क्या हो गया, दौड़ का मैदान हो गया। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है टीचर बनना। बीएड का तो एक ही उद्देश्य है, हमें टीचर बनना। तो कहने का मतलब है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो दौड़ हम लोग तय करेंगे, बीएड करेंगे, सीटेट निकालेंगे, तो ये क्या हो है, दौड़ का मैदान है। तो और उसके बाद हम टीचर बनेंगे, तो टीचर बनना क्या हो गया, हमारा लक्ष्य का प्राप्ति हो गया। तो आगे समझने का कोशिश करेंगे। अब आगे समझिए, देखिए यहाँ पे विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना पाठ्यचर्या कहलाता है। देखिए, हम जाते हैं स्कूल में, हम बी एड कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रोफेसर टीचर जो होते हैं, लेक्चरर हमें जो पढ़ाते हैं, तो क्या एक वही प्रयास करते हैं, वो तो लेक्चर दे दिए, लिखवा दिए, लेकिन हमें भी तो बहुत ये करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है जानने को, समझने को। तो क्या है करिकुलम, क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का प्रयास है, दोनों प्रयास करते हैं। और टीचर प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, ऐसे समझाएं कि उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, यही पाठ्यचर्या कहलाता है। अतः पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा एवं जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। देखिए, साधन और साध्य में अंतर होता है। अब जैसे मानिए कि हम नोट्स लिखे हैं, तो इसमें पेन क्या हुआ, हमारे लिए साधन हो गया। वैसे ही देखिए, करिकुलम क्या हो गया, हमारे लिए साधन हो गया। लेकिन हम जॉब करेंगे, वो हमारा साध्य है, और यही होता है साध्य और साधन, ठीक है। तो हमारे साध्य यानी गोल तक जाने में जो जो चीज़ हमारे यूज में आती है, क्या हो गया, वो साधन हो गया, साधन बन गया। पर बी एड पास कराने में नोट्स क्या हो गया, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे रहा है, बढ़िया से लिख दे रहा है, समझ जा रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा साधन हो गया जो हमें बी एड में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। अब देखिए, डिफिनेशन जानने का कोशिश करते हैं। डिफिनेशन में तीन व्यक्तियों का नाम जहन में रखिए लो। एक तो आपको आ गया मोनरो, एक फ्रॉवेल, मोनरो कनिंगम। तीन कौन कौन है, फ्रॉवेल मोनरो कनिंगम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रॉवेल जी क्या कहते हैं, फ्रॉवेल महाराज का कहना है, पाठ्यचर्या संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतीक होना चाहिए। तो इसमें समझने का आप लोग कोशिश कीजिए कि जो फ्रॉवेल क्या किस पे जोर दे रहा है, किस पर जोर दे रहा है, ज्ञान पे और अनुभव पे। फ्रॉवेल महाराज किस पे जोर दे रहे हैं, ज्ञान पे, अनुभव पे। यानी करिकुलम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभव का प्रतीक होना चाहिए, प्रतिरूप होना चाहिए। यानी पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं
अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। तो बस प्रॉब्लम में ज्ञान अनुभव याद कर लीजिएगा लोग कि संपूर्ण मानव जाति में ज्ञान अनुभव पर आधारित कैसा होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड में देखिए मुनरो, मुनरो देखिए किस पर फोकस किए हैं, वो तो ज्ञान अनुभव पे दिए हैं। इनके मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या सारे अनुभव को अपने में सम्मिलित करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक की शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। देखिए शिक्षित करने पर जोर दिए हैं, किस पर दिए हैं, शिक्षित करने पर। इनका कहना है मुनरो का पाठ्यचर्या सारे अनुभव को अपने में समाहित करता है। ये बोलते हैं कि पाठ्यचर्या क्या करता है, सभी अनुभव को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जो भी अनुभव है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे अभी देखिए से फर्स्ट ईयर में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, C2 C2 में यही ना पढ़ना था, फ्रॉवेल, चाहे मतलब पढ़ना रहता है सेकंड फर्स्ट ईयर में। तो कहने का मतलब यह है कि क्या है ये सब, किसी का अनुभव को करिकुलम अपने अंदर समाहित किया हुआ है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा, अब उसी का प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें याद कर लीजिए कि मुनरो महाराज जी का क्या कहना है, मुनरो महाराज जी कहते हैं कि जो करिकुलम होता है ओ सारे अनुभव को अपने अंदर समाहित करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा मैंने एक टीचर द्वारा बालक को शिक्षित करने के लिए किया जाता है, बस एजुकेटेड करने के लिए। अब थर्ड नंबर पर आइए कनिंगम महाराज, कनिंगम महाराज जी को ध्यान में रखिए, कनिंगम, ठीक है, कनिंगम, इनको देखिए ये क्या बोल रहा है। पाठ्यचर्या शिक्षक के हाथ में एक साधन है, जिससे वो अपनी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में डाल सकता है। तो 21 पर जोर दिए हैं आदर्श और उद्देश्य पर जोर दिए हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कनिंगम महाराज किस पर जोर दिए हैं, आदर्श और उद्देश्य पर। कनिंगम महाराज का कहना है करिकुलम क्या है, एक टीचर के लिए एक साधन है, क्या है, साधन है, जिससे वह क्या करता है, विद्यार्थियों को उद्देश्य एवं आदर्श की प्राप्ति में बहुत ही मदद करता है और विद्यालय में वो ढाल सकता है, ठीक है। अब आपको अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, अब नेचर समझिए करिकुलम का नेचर क्या है, ठीक है। पाठ्यचर्या विद्यालय को की व्यवस्था का मूल आधार होती है। देखिए पाठ्यचर्या क्या होती है, हमारे स्कूल की मेन बेस होती है, जैसे हम लोग का किसी भी पढ़ाई का मेन बेस क्या है, क ख ग घ अंग 1 2 3 इसी को ना पढ़ते हैं, तो आगे क से ककारा होता है, फिर क से कोमल सीखते हैं। तो वैसे ही पाठ्यचर्या क्या होती है, किसी विद्यालय का मूल आधार होती है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती है। देखिए हमारा जो शिक्षा है इसकी संपूर्ण जो व्यवस्था होती है वो पूरा किस पर डिपेंड होती है, एक स्कूल की या एक एजुकेशन की पूरा होल जो अरेंजमेंट होता है वो सब करिकुलम पर डिपेंड होता है। अब यह हम लोग अब इसका प्रकृति जानेंगे एक एक नंबर करके। पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। पाठ्यचर्या क्या होती है, पूर्ण नियोजित होती है, यानी पूरा होल प्लान के साथ होता है, कोई अचानक असर डेली नहीं हो जाता है, पाठ्यचर्या पूरा प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, ठीक है। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार इकाई एक विकसित नहीं किया जाता, इसमें जो भी करिकुलम में चीज़ें दी रहती है अचानक नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, एक प्री प्लानिंग के साथ किया जाता है। अब सेकंड में आए, सेकंड में क्या है, पाठ्यचर्या अध्यापक के अनुदेशों को नियोजित करने में सहायक होती है। अधिगम अनुभव अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही पाठ्यचर्या को क्रिया के प्रभाव की निर्धारण करती है। तो यहाँ पर समझिए जो हमारा करिकुलम है क्या करता है, अध्यापक यानी टीचर के अनुदेशों को नियोजित करने में सहायक होती है। यानी टीचर के जो अनुदेश होते हैं, अनुदेश माने आदेश जो देते हैं टीचर, उनको जो उनका इंस्ट्रक्शन होता है उनको क्या करती है, नियोजित करती है, यानी प्लानिंग करने में सहायक होती है। टीचर करिकुलम के द्वारा क्या करते हैं, अपने अनुदेश को जो भी पढ़ाना है क्लास में, जैसे 8057 का रिवोल्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, उसको मतलब उसका रिवोल्ट पढ़ाना है, 8057 का रिवोल्ट पढ़ाना है, तो क्या करना है, ऊपर से प्री प्लानिंग करेंगे। तो वही है, अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही पाठ्यचर्या को क्रिया के प्रभाव का निर्धारण करती है, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा, जो हमारे
अधिगम होता है, हमारा जो लर्निंग होता है जिसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है, उस जटिल प्रक्रिया को सरल कैसे बनाया जाता है, करिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। और अनुभवों की गुणवत्ता और सार्थकता ही जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनकी क्वालिटी और उनका जो सार्थकता होता है वही पाठ्यचर्या की क्रिया के प्रभाव को क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है। देखिए, अब हम लोग जैसे बीएड का पढ़ा है, एक डीएड का होता है, ठीक है, तो हर का सिलेबस अलग रहा है, कोई लाइब्रेरियन साइंस कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई डीएड कर रहा है, तो सबका क्या होगा, सिलेबस अलग अलग होगा, सबका करिकुलम अलग होगा, एक ही जैसा तो नहीं ना बना देंगे। और मैंने कि जैसे सिक्स क्लास के बच्चे को पढ़ना है तो उसका जो करिकुलम है उसका इलेवन की तरह तो नहीं तैयार कर देंगे। तो इसीलिए कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा क्या होती है, भिन्न होती है। अब तो हम लोग इसे समझ गए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। कक्षा में पाठ्यचर्या न केवल लचीली व्यवस्था प्रदान करती है बल्कि अधिगम के सार्थक विकल्प भी खोजने में क्या खोजना है खोजने में मदद करती है। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा में जो करिकुलम है केवल फ्लेक्सिबल ही नहीं बनाती है व्यवस्था को, बल्कि जो हम लर्निंग करते हैं उसको सार्थक उसका विकल्प खोजने में भी मदद करती है। ऐसा होता है हमारे करिकुलम। अब इसका हम एम जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे। अब इसका उद्देश्य जानेंगे, एक तो जीवन से संबंधित होना चाहिए, हमारा जो करिकुलम क्या होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के बारे में तो आप लोग जानते हैं, उसका क्या कहना है कि जीवन से संबंधित होना चाहिए। अर्थात देखिए, जो भी करिकुलम हो बालक के भावी जीवन से एवं वर्तमान जीवन से संबंधित होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए। बालक के उन्हीं विषयों को अध्ययन से जीवन में सफलता मिल सकती है जो उसकी वर्तमान रुचि हो, आकांक्षा हो एवं योग्यताओं के अनुरूप हो। यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचि आकांक्षाओं योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। और करिकुलम वर्तमान जीवन से संबंधित ऐसी विषय सामग्री एवं क्रियाएँ हो जिनका अध्ययन करके वे अपने जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझकर सुलझा सके। देखिए, महात्मा गांधी जी का भी कहना है, केवल पढ़ा के लिखा के साक्षर बना के कोई शिक्षित नहीं हो सकता। जब तक हम अपने जीवन को समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, हमारे पास कोई हुनर नहीं, तब तक केवल पढ़ने लिखने से हम शिक्षित नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। जो हमारा करिकुलम है कैसा होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य का मतलब है कि देखिए, निर्माण करिकुलम जब हम निर्माण करते हैं उस समय क्या करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि समय एवं सिचुएशन के अनुसार शिक्षा एवं सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, अब आप देखिए, 20-30 साल पहले जो था करिकुलम, क्या आज है, नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम एवरीथिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण बना देता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, और इससे क्या होता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास होता है, और साथ साथ उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में भी निपुणता आती है। अतः करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा नहीं बने बल्कि वो हमारे लिए वरदान बने। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या है, नेक्स्ट है आपको बाल केंद्रित। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा कैसा होना चाहिए, बालक के अनुरूप होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित। अब यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित का मतलब यह हुआ कि देखिए, बालक की रुचियों
आवश्यकता, उसकी नीड क्या है, उसकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसमें वृद्धि क्या है, एज क्या है, उसी के अनुरूप करिकुलम होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों की रुचि आवश्यकता में जो योग्यता एक समान नहीं होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, और आगे समझेंगे शिक्षा का केंद्र बिंदु। देखिए शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए बालक होना चाहिए। पहले का जो शिक्षा था कैसा था, पहले का शिक्षा था शिक्षक केंद्रित था, लेकिन आज NCF 2005 क्या है, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस बोलता है करने के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर। और उसका कहना है कि अगर बालक फेलियर होता है तो उसमें उसके दोष नहीं है, बल्कि स्कूल की व्यवस्था, मैनेजमेंट की, करिकुलम की मतलब गलती है। तो इसीलिए बालक को क्या होना चाहिए, उसके आयु, एज, क्षमता, मनोवृत्ति को अनुरूप उसका करिकुलम होना चाहिए। हम नेक्स्ट समझने का कोशिश करेंगे विविधता एवं लचीलापन। आप लोग सभी जानते हैं हमारा देश क्या है, विविधताओं का देश है। ठीक है, तो विविधताओं का मतलब होता है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमारा करिकुलम क्या होना चाहिए, वो करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा करिकुलम क्या है, लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसमें क्या हो, छात्र का दृष्टिकोण, विजन, उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, उसे छात्र क्या हो, उसे बोरिंग फील नहीं हो, बल्कि वो एंजॉय करके पढ़े, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए व्यक्तिक विभिन्नता यानी करिकुलम जो होता है कैसा होना चाहिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप होना चाहिए। जैसे मनोविज्ञान ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों में व्यक्तिक विभिन्नताएँ पाई जाती है। अब आप लोग BEd के बाद CTET की तैयारी कीजिएगा, CTET की एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें देखिएगा ये वाला चैप्टर पढ़ना है, चाहे फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है। तो जिस पर पूरा आजकल का फिलोसफर लोग का पूरा जोर दिया जा रहा है, वर्तमान समय में करिकुलम के निर्माण में व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाता है और प्रत्येक बालक की रुचि, आवश्यकता, योग्यता, मनोवृत्ति एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। इसीलिए उसी के तहत ध्यान में रख के करिकुलम तैयार किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट आपको क्या है, सामुदायिक जीवन से संबंधित। हमारा कैसा होना चाहिए करिकुलम, सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। इसको देखिए क्या इसके बारे में, करिकुलम जो हमारा क्या होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या होनी चाहिए एवं छात्रों को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है करिकुलम के उत्पादक कार्यों के महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त करिकुलम स्थानीय आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, ऐसे मानिए कि आदिवासी इलाका में हम करिकुलम बना रहे हैं, तब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसी के तहत बनाएंगे। ऐसे बिहार का है, बिहार के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब आप लोग जहाँ का करिकुलम रहता है, महाराष्ट्र का होता है, दक्षिण भारत होता है, उसी को अनुरूप बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझने का कोशिश करेंगे उपयोगिता। देखिए करिकुलम क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए हमारे लिए, मतलब निरर्थक नहीं होना चाहिए। करिकुलम क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उपयोगिता का उसमें होना चाहिए, झलक होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उपयोगिता का स्थान दिया जाना चाहिए, बालकों की भावी जीवन में काम आ सके। तो इस प्रकार हमारे एक नन महाराज जी हैं, उनका कहना है, नन महाराज जी का कहना है, देखिए अब यहाँ समझेंगे मन क्या कह रहे हैं, कि मनुष्य अपने जीवन को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ ही बातें सीखना नहीं चाहता। देखिए हम इंसान जो क्या होते हैं, केवल व्यर्थ की बातें सीखना नहीं चाहते हैं, बल्कि वह चाहता है कि बालक को ऐसी बातें सिखाई जाए जो जीवन के लिए उपयोगी हो। अब देखिए हम लोग BEd में ऐसे ही आप लोगों को कोई कह दिया जाए नौकरी वोकरी नहीं लगेगा, बस BEd करो, करेगा कोई पढ़ेगा, इतना मेहनत आप लोग क्यों कर रहे हैं कि भाई BEd करेंगे, अच्छा नंबर आएगा तो फिर हम टीचर बनेंगे। इसीलिए ना, अगर मानिए कि गवर्नमेंट नहीं भी हुआ तो अभी प्राइवेट स्कूल में हम कुछ मतलब बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर रहे कि यार कुछ नहीं हुआ BEd करने से, तो कोई करेगा नहीं करेगा, तो क्या होता है, तो हमें ऐसी बालकों में रुचि होती है कि भाई जीवन के लिए उपयोगी है ऐसी शिक्षा हो। क्या उपयोगी है क्या नहीं उपयोगी है, या समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है, तो समय ही निश्चित करता है। जैसे लोकतंत्रीय देश में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में क्या होता है, बहुत क्षेत्रीय भाषाएँ होती है, तो हमें सबका नॉलेज रहना चाहिए।
राष्ट्रभाषा जो है उसका भी नॉलेज रहना चाहिए, हमारी जो मातृ क्षेत्रीय भाषा उसका भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे सामाजिक व्यवहार में निपुणता आ सके। अब देखिए, केवल हम मातृभाषा पर ध्यान देंगे, जैसे मानिए कि अगर हम बिहारी हैं, भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, और हमें कहीं जाना पड़ा दूसरा जगह, दक्षिण भारत में काम करने, क्या वहाँ भोजपुरी किसी को समझ में आएगा? नहीं आएगा, हमें कितनी कठिनाई होगी। तो इसीलिए राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा प्लस क्षेत्रीय भाषा, सभी का ज्ञान होना चाहिए। मानिए कि आपको मराठी आती है और आप चले गए काम करने, कहाँ आप चले गए, बंगाल में, तो क्या बंगाल में जाके आप बढ़िया से वहाँ घुल मिल पाइएगा लोगों में? नहीं, चूँकि आपको तो मराठी आती है, आपको तो और सब भाषा आता नहीं है, इसीलिए हमें क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझेंगे। अब व्यापक दृष्टिकोण, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मतलब उसके लिए जो हमारा एज करिकुलम है ऐसा होना चाहिए जो हमारा व्यक्तिगत, हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या करे, उसको व्यापक करे, ठीक है, संकुचित ना हो, क्योंकि संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित हमारा करिकुलम होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की सोच छोटी ना होकर व्यापक बन सके, इससे वे नए विषय के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार करिकुलम को समाज के किसी एक पक्ष तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार करिकुलम यदि व्यापकता के साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित हो तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यानी हमारे करिकुलम जो होना चाहिए उसमें आधुनिकता भी होनी चाहिए, जो समाज में, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यापक दृष्टिकोण वाला हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब आगे आगे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रचनात्मक और सृजनात्मक। क्या है रचनात्मक और सृजनात्मक? देखिए, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। करिकुलम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो हमारे अंदर रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करें। तो देखिए, इसे हम समझने का कोशिश करेंगे। बालक में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है। देखिए, इसीलिए पियाजे ने कहा है कि एक जो बच्चा होता है वो कूड़ा कागज़ नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक नन्हा वैज्ञानिक है। हमेशा कुछ ना कुछ, देखिएगा बच्चे आपके घर में होंगे तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई छोटा सा गाड़ी हो उसको तोड़ देंगे फिर जोड़ेंगे, यानी क्या कहता है, क्रिएटिविटी उसमें होता है, ठीक है। तब बालकों में क्या होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है। करिकुलम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। और करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ये ऑलरेडी तो बच्चा में क्या होता है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हमारा करिकुलम भी ऐसा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो भी छिपी हुई रचनात्मकता सृजनात्मकता है उसका विकास हो और वो व्यापक हो सके। इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए तथा उन्हें उचित निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए तो रेमंड महोदय ने कहा है, करिकुलम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, इसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषय के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। तो हमारे रेमंड महोदय जी क्या कहते हैं, रेमंड महोदय जी कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो वर्तमान एवं भविष्य की जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके लिए हो, प्लस रचनात्मक विषय के प्रति हमारा निश्चित सुझाव देने वाला भी हो, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। आप देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि नीड ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम की आवश्यकता क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, बस कंटेंट आप लोगों को बहुत ही बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए और उसके बाद एग्जाम में जाइए, एकदम बढ़िया से लिखिए। तो देखिए, अब इसको हम जानेंगे, नीड ऑफ करिकुलम। तो देखिए, नीड ऑफ करिकुलम क्या है, आखिर मतलब करिकुलम की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए करिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आवश्यकता मानी जाती है। देखिए, इसके बिना जो होता है ना, हमारा टीचिंग जो मतलब लर्निंग प्रोसेस है कभी सफल नहीं हो सकता। करिकुलम ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास होता है। देखिए, समय एवं सिचुएशन के अनुसार ही करिकुलम में भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी
करिकुलम के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसे साथ वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हो सके, इससे वे वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सफल हो सकते हैं। देखिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारे वर्तमान एवं भविष्य से हमें जोड़े और हमें क्या करें, ज्ञान तो दें ही प्लस हमारे भविष्य की समस्याओं को भी दूर करने में सक्षम हो। तो इसीलिए कनिंघम महाराज जी कहते हैं कि जो करिकुलम क्या होता है, एक टीचर को कलाकार बोले हैं। अब बोलते हैं कि जो एक टीचर जो कलाकार है ना, कि हाथों में ये ऐसा उपकरण है, करिकुलम एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी छात्र का अपने उद्देश्य के अनुसार अपने कलाग्रह में निर्माण करता है। कलाग्रह यहाँ विद्यालय को बोला गया है, कि माने टीचर एक कलाकार हो गया और विद्यालय कलाग्रह हो गया, जिसमें क्या करता है एक टीचर है ना, करिकुलम क्या करता है, एक टीचर के लिए करिकुलम एक उपकरण हो जाता है, यानी साधन होता है, उसी के उद्देश्य उसी के सहायता से स्टूडेंट को उसके उद्देश्य उसके आदर्श प्राप्ति में एक टीचर क्या होता है, सुगमकर्ता बनता है, सहयोगी बनता है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था। देखिए, सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था यानी सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था समझिए, तो इसमें क्या है, करिकुलम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए, अभी जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली जो भी चल रही है उसको व्यवस्थित कौन करता है, करिकुलम करता है। इससे यह निश्चित करने में सुविधा रहती है इसे निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षक शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है। अब इसमें क्या है, करिकुलम द्वारा हम निश्चित करना पड़ता है कि बीएड लेवल पर क्या पढ़ाना है, डीएड लेवल पर क्या पढ़ाना है, तो ये कौन निश्चित करता है, कि करिकुलम के द्वारा ही हम निश्चित कर पाते हैं कौन सी हमें क्रियाएँ करनी है, कौन कौन सा अनुभव प्रदान करना है। पाठ्यक्रम की सहायता से यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तर पर कौन सी दक्षताएँ प्रवृत्तियाँ एवं रुचियों का विकास करना है। देखिए, करिकुलम के द्वारा ही टीचर संभव कर पाता है हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, किसके बारे में पढ़ाना चाहिए, तो ये तो रामबाण साबित होता है टीचर के लिए करिकुलम। और सेकेंड में आइए क्या होता है, उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य की प्राप्ति देखिए, करिकुलम क्या होता है, उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है। ठीक है, करिकुलम द्वारा क्या होता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी करिकुलम की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, उद्देश्य के लिए भी करिकुलम की आवश्यकता होती है। अब समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी हमारे समाज में जो भी एजुकेशनल जो आकांक्षाएँ हैं तथा जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे नीड को पूरा करना है उसमें क्या करता है, उसका निर्धारण करिकुलम करता है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही करिकुलम का निर्माण तथा विकास भी किया जाता है। करिकुलम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, जैसे और इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं। देखिए, अगर करिकुलम नहीं रहे तो हमारा उद्देश्य भाई टीचर बनना, तो अगर हम बीएड नहीं करेंगे, टीचर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो कैसे बताएंगे कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, करिकुलम बहुत ही आवश्यक है। अब नेक्स्ट समझने का कोशिश करेंगे आपको ज्ञान की प्राप्ति यानी करिकुलम क्या कराता है, ज्ञान की प्राप्ति करने में भी बहुत मदद करता है। और यहाँ पर देखिए, यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है। देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, यह संसार क्या है, ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है। यह संसार ज्ञान एवं रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान एवं रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यह ज्ञान वह केवल पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के द्वारा ही जान सकता है। करिकुलम के निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। देखिए, एक करिकुलम के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञानी हो जाते हैं तो समाज में हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, तो इस प्रकार क्या होता है, समाज में हम जीने लायक हो जाते हैं, कोई कहते बड़ा सभ्य आदमी है। अरे क्यों है भाई, एजुकेटेड है, एजुकेशन ही तो हमें जीना सिखाती है। यदि एजुकेशन नहीं रहे तो क्या कहा जाता है कि इंसान दो पैर वाला दो हाथ वाला क्या है, एनिमल्स है। एजुकेशन ही है जो हमें क्या करता है, एक जानवर से एनिमल से हमें इंसान बनाता है। अब नेक्स्ट समझिए, और
अब क्या करना है, शिक्षण सामग्री का नियंत्रण। देखिए करिकुलम जो होता है शिक्षण सामग्री का क्या करता है, निर्धारण करता है। शिक्षण सामग्री का क्या करता है, निर्धारण करता है। करिकुलम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए करिकुलम का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। करिकुलम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाना है। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। देखिए एक करिकुलम जो है उसी से तो टीचर भी कन्फर्म हो पाता है, लेसन प्लान बनाता है। तो इस प्रकार क्या करता है, शिक्षण सामग्री का निर्धारण कौन करता है, हमारा करिकुलम करता है। अब नेक्स्ट समझेंगे आपको मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होता है। हमारा जो करिकुलम होता है क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सहायक होता है। अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। करिकुलम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है, सहज होती है, वैज्ञानिक बनती है। निश्चित करिकुलम के होने पर ही छात्रों की योग्यता व क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। करिकुलम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है, आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, किसी का भी कैसे मूल्यांकन किया कर सकते हैं। यदि करिकुलम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो क्या होगा, वैधता नहीं होगी, विश्वसनीयता नहीं होगी। हम किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते हैं, पहले करिकुलम मतलब टेक्स्ट बुक द्वारा फिक्स रहता है, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सबमेटिव होता है, मतलब वार्षिक लीजिए या छमाही लीजिए या पाठ के अंत में लीजिए, ये सब किसके द्वारा संभव है, करिकुलम के द्वारा ही तो संभव है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग विचार करेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तो करिकुलम द्वारा क्या होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। वर्तमान युग में लोकतंत्र का युग है, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक युग है। बहुत सारे देश है जो लोकतांत्रिक है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश है। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकतंत्र हुआ था कौन देश हुआ था, डेमोक्रेटिक अमेरिका हुआ था। तो जहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है वहाँ दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। अगर भाई लोकतंत्र में समानता नहीं है, समता नहीं है, समानता नहीं है, न्याय नहीं है, तो काहे को लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र। लोकतंत्र वही है जिसमें सभी नागरिक समान है, चाहे किसी भी जाति को हो, किसी भी वर्ग को हो। अब जैसे वोट देने आप लोग जाते हैं, क्या उसमें स्पेशल रहता है कि बड़े कास्ट के लिए है तो शेड्यूल कास्ट के लिए, नहीं। तो लोकतंत्र में क्या है, समानता समता का बहुत होता है, मतलब महत्वपूर्ण होता है, जिसमें उनमें उदारता, न्याय, भातृत्व, सामुदायिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल करिकुलम के द्वारा ही पैदा हो सकता है। यह गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में भी सहायक माना जाता है। इस प्रकार करिकुलम की बहुत ही आवश्यकता होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करिकुलम। अब नेक्स्ट समझेंगे आवश्यकता की पूर्ति। देखिए हमारी आवश्यकताएं करिकुलम की क्यों है, क्योंकि करिकुलम क्या करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। अब इसे समझिए, आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत आवश्यकता होती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह करिकुलम के द्वारा ही करता है, यानी पाठ्यचर्या के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज की भी अपनी आवश्यकता होती है, इन सबकी पूर्ति भी करिकुलम के द्वारा ही संभव है। प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों में क्या हो, राष्ट्र प्रेम हो, अच्छी नागरिकता एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना हो, और केवल करिकुलम द्वारा ही संभव हो सकता है। करिकुलम ही नागरिकों में ऐसे गुणों का विकास करने में सहायक हो सकता है। करिकुलम का निर्माण राष्ट्र, समाज एवं बालक की आवश्यकताओं के आधार पर करके इन सब की पूर्ति करता है। तो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में, हमें असभ्य बनाने में। क्योंकि एक बहुत ही अच्छे जो फिलोसफर है, बहुत सारे फिलोसफर का कहना है कि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो कैसा होता है, वो असभ्य होता है, लेकिन उसे सभ्य कैसे बनाया जाता है, सभ्य समाज में बनाया जाता है, वो भी एजुकेशन के द्वारा। उसे छोड़ दीजिए जंगल में तो क्या वो सभ्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक मानव होकर भी सभ्य नहीं हो पाएगा। तो सारे बनाने में क्या होता है, करिकुलम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब नेक्स्ट समझेंगे पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक। करिकुलम क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भी सहायक होता है। अब इसे समझेंगे पाठ्य पुस्तक के निर्माण में कैसे सहायक होता है।
करिकुलम की सहायता से ही निश्चित पाठ्य पुस्तक की रचना करना संभव होता है। यदि करिकुलम हमें मालूम है तभी क्या होता है पाठ्य जो पुस्तक होती है पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक की रचना संभव हो पाता है। पाठ्य जो चर्या होता है कि अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती है, अनेक पत्रिकाएँ आती है लिखी जा सकती है, परंतु पाठ्य पुस्तक नहीं। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अभाव में शिक्षक को व्यवस्थित रूप प्रदान नहीं करना चाहिए या हो भी नहीं सकता है। जैसे देखिए पाठ्य पुस्तक होता है 9 लेवल का अलग, बोर्ड लेवल का अलग होता है, इंटरमीडिएट लेवल का अलग होता है, यूनिवर्सिटी का अलग होता है। तो कहने का मतलब सब करिकुलम के द्वारा ही तहत संभव हो पाता है, ठीक है। तो करिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, बहुत ही सहायक होती है। अब एक 9 नंबर टॉपिक समझने का कोशिश करेंगे। इसमें देखिए समय एवं शक्ति की बचत होती है। करिकुलम के द्वारा क्या होता है, समय एवं शक्ति की ही बचत होती है। इसे समझेंगे कि करिकुलम के कारण ही छात्र तथा टीचर ढेर सारे जो बेवजह की क्रियाओं से बन जाते हैं, वे अपनी क्रियाओं को करिकुलम की सीमाओं तक ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय तथा शक्ति की भी बचत होती है। करिकुलम के कारण ही टीचर यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या करना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है तथा छात्र भी यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। करिकुलम के कारण उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही सुविधा मिलती है। देखिए करिकुलम जो होता है, करिकुलम क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों में क्या होता है, समय और शक्ति की बचत होती है। जैसे देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, इससे क्या होता है, समय और शक्ति की बचत होती है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, देखिए हम लोग मतलब जैसे हम लोग कुछ मतलब कोई भी पढ़ाई करें, जैसे डीएड करें या बीएड करें, तो इसमें कोर्स होता है कि बीएड जैसे 2 साल का है तो भाई फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ना है, सेकेंड ईयर या इतना पढ़ना है। तो यदि करिकुलम नहीं रहे तो एक टीचर को कैसे समझ में आएगा। और उसमें भी रहता है कि भाई आपको 1 साल में इतना पढ़ा देना टॉपिक, तो क्या एक ही साल में 2 साल का पढ़ा देगा, नहीं ना। तो इस प्रकार समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। और स्टूडेंट भी होते हैं माइंड फ्री होता है कि भाई मुझे 1 साल में इतना 1 ईयर में कितना इतना पढ़ना है। अब उसके लास्ट में समझिए कि विभिन्न विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान होता है। करिकुलम के द्वारा क्या होता है, विभिन्न विषयों के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो देखिए करिकुलम छात्रों को विभिन्न विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करिकुलम से ही हम साइंस हुआ, दर्शन शास्त्र हुआ, भूगोल हुआ, समाजशास्त्र हुआ, इतिहास हुआ आदि के बारे में बहुत ही डीपली पूर्वक विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। करिकुलम विभिन्न विषयों को एक सूत्र में बांधकर छात्रों को उसके जीवन में उपयोग करने के लिए तैयार होता है। यह विषय छात्रों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे देखिए सोशल स्टडीज सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, सोशल स्टडी में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो क्या करता है, तो विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान कौन कराता है, हमारा करिकुलम कराता है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन पर आएंगे, तो कंक्लूजन के बारे में समझिए कि कंक्लूजन क्या करेगा। कंक्लूजन का मतलब लास्ट में हमें कंक्लूजन एकदम श्योर लिखना चाहिए। तो देखिए निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती और न ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पाठ्यचर्या विद्यार्थी के संपूर्ण विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ज्ञान प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण विधियों का चयन, उत्तम नागरिकता के विकास और शोध कार्य को प्रोत्साहन करने आदि के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा ही विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है। तो देखिए निष्कर्ष स्वरूप समझा ना, देखिए निष्कर्ष स्वरूप
क्या है? निष्कर्ष स्वरूप यह है कि पाठ्यचर्य क्या है, हमारे जीवन को बहुत ही मूल्य प्रदान करता है, हमें मूल्यवान बनाता है। टीचर को तो एक साधन उपकरण मिल ही जाता है, साथ साथ स्टूडेंट भी एकदम फ्री होकर पढ़ता है कि भाई 1 ईयर में मुझे ये पढ़ना है, अब जैसे 10th क्लास पढ़ना है तो जैसे 6 मंथ में इतना कोर्सेज कंप्लीट करना है, इतना सिलेबस, फिर 6 मंथ में इतना। उसी तरह इंटरमीडिएट है 2 ईयर का, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में है। बीएड है 2 ईयर का, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना। तो ये सारी चीज़ों को पॉसिबल और इजीली सजीलो कौन बनाता है? हमारा करिकुलम बनाता है। तो इस प्रकार करिकुलम क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें एजुकेटेड करने में। तो इस प्रकार जो करिकुलम है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम अच्छे नागरिक बन पाते हैं और समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी हो पाते हैं, यानी एक मानव से एक हम मानव संसाधन बन जाते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी दोस्तों को थैंक्स बोलती हूँ और दोस्तों इसी प्रकार यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें कि आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी लिखूँगी तो उसे आप लोग पढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।